आपने हमेशा मेरा सहयोग रखा, चाहे लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ आया, उससे पहले भी मेरे पिताजी जब राजनीति के अंदर थे तो निश्चित रूप से देराम जी के सरपंच साथ हुआ करते थे, लेकिन इस इलाके से विशेष लगाव मेरे परिवार का पूरे इलाके से विशेष लगाव रहा। और हमने प्रयास भी किया, लोकसभा के अंदर में आपके बीच आया तब आपने मुझे यहाँ से मदद भी करी, और इस बार जब नई पार्टी बना के राजस्थान के अंदर मैंने चुनाव लड़ा तो आपने आरएलपी को जोरदार मदद इस पूरे इलाके से, जहाँ अपना ये डीडवाना नागौर रोड है उससे लेफ्ट साइड के अंदर मजबूत आरएलपी की मदद आप सब लोगों ने करी, और उसी के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई और आरएलपी दूसरे नंबर पर। कुछ कमियां चुनाव के अंदर रही थी जिसकी वजह से चुनाव आखिर तीन दिनों के अंदर आज से निकल गया, उन पर मंथन करेंगे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल की पार्टी पर भरोसा किया है वो अपने आप को अकेला नहीं समझे, कांग्रेस पार्टी का राज जरूर होगा लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ जवानों की किसानों की इतनी बड़ी फौज है कि आवश्यकता पड़े तो सरकार को एक बार नहीं 100 बार वोट बैठक दिलवा देंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप सब मेरे भाई हो, आपने मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और मैं कोई मेरे लिए नहीं लड़ रहा था, अगर मेरे लिए मैं लड़ता तो 15-20 साल पहले सरकार के अंदर कैबिनेट का मंत्री बन जाता, मैं भी गहलोत वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठा के मंत्री कैबिनेट का होता, लेकिन मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं मेरे समाज के किसान के बेटों को जब तक सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं मिल जाती, जब तक मुख्य पद पर किसान का असली बेटा नहीं बैठ जाता तब तक मैं संघर्ष करूंगा और मैं संतरी बनकर आपकी सेवा करूंगा। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर जवान किसान की संतरी बनकर सेवा कर रहा है। आपने देखा होगा कि अपनी अपनी पार्टी के जयकार तो सब बोलते हैं लेकिन वीर तेजा जी का जयकारा राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसी ने बोला तो 8, 13 और 18 के अंदर 3 बार शपथ ग्रहण में हमेशा तेजा जी महाराज का जयकारा राजस्थान की विधानसभा के अंदर, और नागौर से हुंकार भरी और मध्य प्रदेश के अंदर बिगुल बजा आंदोलन का कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, इस बात की हुंकार थी उत्तर के विधायक और आपके लाल ने नागौर की धरती से हुंकार भरी थी, और बाद में बाड़मेर बीकानेर सीकर और जयपुरम पहुंचे तब तक बीजेपी तो डर के 50,000 और कांग्रेस डर के 2 लाख का कर्जा माफ कर चुकी, और पूरे देश में आंदोलन को हवा दी तो तेजा जी के भक्तों ने इस कर्ज संपूर्ण कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। अभी कुछ राइडर सरकार ने लगाए कि डिफॉल्टर का कर्जा माफ होगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 2 लाख तक का जो भी ऋण है उस ऋण को माफ कराएंगे, और मैंने तो संपूर्ण कर्ज माफी की बात करी थी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली कूच करने की आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच करेंगे, तेजा जी के भक्त थकने वाले नहीं है, इस दिल्ली की सरकार को झुकाएंगे और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कराएंगे, इस बात की सरकार जो हमने भरी है। तो बीजेपी कह सकती है 50,000 और कांग्रेस 2 लाख कह सकती है, हमने तो नहीं कहा 2,50,000, हमने तो कहा पूरा कर्जा। एक दूसरी बेरोजगारी भत्ते की बात हमने करी थी, 70 साल के अंदर कभी किसी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बीजेपी बोली कि अगर हम सत्ता में आए तो 5,000 दे देंगे और कांग्रेस ने कहा 3,500 दे देंगे, घोषणा तो कर दी लेकिन कांग्रेस को भी विधानसभा के अंदर बेरोजगारी भत्ते की याद क्यों करके विधायक ने दिलाई। मेरे छोटे भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आपको जल्दी जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनको 3,500 रूपये बेरोजगारी भत्ता इस राजस्थान सरकार की नाक के अंदर नकेल डाल के आपको बेरोजगारी जितने भी हमारे समाजकर्मी भाई है छोटे राजस्थान के अंदर उन सबको नियमित किया जाए। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें ये भी आंदोलन प्रदर्शन कर रही थी तो मैं तो हमेशा इनके भी साथ हूँ। हमारे जितने भी छोटे भाई बहन जो संविदा पे लगे ना, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, चाहे वो नरेगा के अंदर हो, चाहे विद्यार्थी मित्र हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे NHM के हो, चाहे 12-13 के हो, 7-8 के हो, इन सबको नियमित कराने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा विधानसभा के नौजवानों के, किसान के बेटों के, किसानों के मुद्दे मैंने उठाए, आगे भी उठाता रहूंगा। 4 लाख खाली पद सरकार से भराएंगे। टोल मुक्त राजस्थान की बात करी थी, स्टेट हाईवे को टोल फ्री करा दिया और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नेशनल हाईवे को भी टोल मुक्त देश के अंदर कराएंगे। ये विश्वास हनुमान बेनीवाल आपको दिला रहा है। आपस में भाईचारा हमें कायम रखना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने जितने भी गरीब गांव के अंदर जो भी हमारे भाई हैं, चाहे किसी भी जाति का, हमें सबको साथ लेकर चलना है। पंचायत चुनाव को भी अब ज्यादा मुद्दा लंबा नहीं बनाना, चुनाव हुआ, सरपंच जीता, उसके बाद 2 दिन जुलूस निकला, उसके बाद सब एक जगह हो जाओ। जब बड़े बड़े नेता एक मंच पर बैठते तुम क्यों लड़ते हो किसी के लिए, जब वसुंधरा और गहलोत साथ खाना खा सकते हैं
तुम्हारे झंडा किस बात का, इसलिए अपने को झंडा नहीं रखना। जीते वो सिकंदर, उसके साथ लग जाओ, और जो हार गया उसको जिताने की अगली बार के लिए तैयारी करो। ठीक बात है ना? तो ये भावना जब लाओगे ना तब विकास होगा। और मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं आपके लिए लड़ूंगा। अगर आप थक जाओगे मुझे बता देना, मैं भी थक जाऊंगा। और आप अगर नहीं थको तो मुझे बता देना, हनुमान बेनीवाल उस तरह लड़ेगा जिस तरह भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, अपने प्राण बचाव कर दिए और भारत माता की गुलामी की ओर प्रवेश करा दिया। मैं भी मेरे भाइयों को सत्ता के अंदर लेके जाऊंगा। सत्ता में आपकी भागीदारी होगी। थाने तहसील के अंदर कोई गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, आओ बाबा चाय पियोगे या ठंडा मंगाओ, ऐसी व्यवस्था मैं राजस्थान के अंदर चाहता हूँ। और व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार मैंने भरी है, और व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा मैं इसी तरह लड़ता रहूंगा। मुझे सत्ता प्राप्ति का लोभ नहीं है, अगर होता तो मैं बहुत पहले चला जाता, क्योंकि सत्ता प्राप्त जब तक पूरी सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक मेरा संघ जारी रहेगा। मूंग की खरीद का मामला टोकन मूंग के सरकार ने दे दिए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने पैसा नहीं दिया, राजस्थान की सरकार ने मूंग बंद कर दिए खरीदने। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ एक दो दिन के अंदर हम सरकार से पुनः बात करेंगे। मूंग खरीद को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण को हमने रोका, सरकार का विरोध किया, और मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा कि मूंग की खरीद चालू करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दो तीन दिन के अंदर अंदर मूंग की खरीद चालू करने के लिए दोबारा प्रयास करेंगे। और किसानों के जितने भी टोकन जारी किए सारे मूंग राजस्थान की सरकार से खरीदवाएंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। इस इलाके के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नहर का पानी आ रहा है क्या? चल रहा है क्या? नहर का नहीं आ रहा है। इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई का पानी प्रत्येक ढाणी तक पहुंचे, इसको स्पीड से इस काम को करेंगे। और मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस बार हमारी 3 के बजाय 15 सीट आ जाती और सरकार हमारे सहयोग से बनती तो नदी नालों के मुंह भी नागौर की तरफ मोड़ देते सिंचाई के लिए। उसके लिए आवश्यकता थी, लेकिन सीटें कम रह गई। अभी मुझे लग रहा है चाचा जी महाराज और संघर्ष कराएंगे हमारे, कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन कम से कम कांग्रेस को 99 पे ला दिया और वसुंधरा को सात समुंदर पार भगा दिया। हनुमान बेनीवाल की हुंकार और चाचा जी के भक्तों की हुंकार का ही परिणाम था कि दोनों पार्टियां डिप्रेशन के अंदर आ गई और अब भी घूम रही है। अभी लोकसभा का चुनाव है, वो कह रही है कि आरएलपी वाले क्या करेंगे लोकसभा चुनाव का, हर कोई कह रहा कितनी सीट किसकी आएगी, सीट तो इतनी आएगी लेकिन आरएलपी क्या करेगी। तो मैं मेरे भाइयों इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, आरएलपी वही काम करेगी जो तेजा जी के भक्त आएंगे राजस्थान के अंदर। अगर गठबंधन भी होगा आपसे पूछ लोगा, लेकिन आरएलपी जिंदा रहेगी। ये बोतल का जो चिन्ह लेके आए हम, पानी की बच्चों की बोतल, क्योंकि बोतल बदनाम हो गई थी राजस्थान के अंदर, वसुंधरा खुलेआम दारू पीती थी, इससे बोतल का चिन्ह बदनाम हो गया। तो मुझे इस बोतल के चिन्ह को मेरे पास लाना पड़ा कि पानी की बोतल है, बच्चों के दूध की बोतल है, तो मैं बोतल के बदनाम चिन्ह को मेरे पास लाके इसको ठीक करूंगा। और बोतल के पानी से इस राजस्थान के अंदर फैली गंदगी को साफ करके बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाकर डाल दूंगा। ये काम करने के लिए बोतल का चिन्ह लाया है। तो लोकसभा के अंदर भी आप तो तैयारी शुरू कर लो। आरएलपी नागौर से तो लड़ेगी लड़ेगी कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नागौर आरएलपी की राजधानी है, और बाकी जगह भी लड़ेगी। देख लेते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है। बदमाश जो भी है उनको हराएंगे और अच्छे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे राजस्थान के अंदर। आप चिंता नहीं करें, सबको साथ लेकर चलेंगे, नए नागौर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका सेनापति आगे की पंक्ति में खड़ा लड़ाई लड़ रहा है। कई यहाँ हार हो गई होगी, कई जगह जीत भी हो गई, कई जगह हमारे सहयोग से लोग जीत गए। पहली बार राजस्थान के अंदर बहुत वर्षों बाद 27 लोग निर्दलीय आरएलपी बसपा आदिवासियों की पार्टी और दूसरे दलों से जीत के बहुत समय बाद 27 आदमी तीसरे फ्रंट से जीते राजस्थान के अंदर। ये तो आपस में एडजस्टमेंट अगर सही हो जाता और समय रहते हमारे नेता हमें धोखा देकर नहीं भागते तो 70-80 पे तो हम होते और दोनों पार्टियां 50-40 सीट लेती, लेकिन भाग्य धोखा दिया। और हमेशा आप जानते हो कि आजादी की लड़ाई के अंदर भी चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उसको भी धोखे थे, वसुंधरा के दादा परदादा उन्हें अपने मेल में बुला के अंग्रेजों को बुला लिया था। तो वसुंधरा खानदान वो गद्दार खानदान है जिसकी वसुंधरा जिस खानदान की, आप इतिहास पढ़ना मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तो उस समय भी धोखा हुआ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को धोखे से मरवाया, भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया, सुखदेव राजगुरु ने लड़ाई लड़ी, तांत्या टोपन की शुरुआत की, तो हिंदुस्तान के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो भाइयों मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ
ये बहुत बड़े परिवर्तन की लड़ाई है, मेरी खुद की लड़ाई नहीं है। मैं तो किसी को टेलीफोन करूं मेरे को मना थोड़ा ही करता है काम। दिल्ली और राजस्थान की सरकार तो तैयार है कि हनुमान जी से बात करो, घूम रहे मेरे पीछे पीछे। मैं ही हूं जो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर झुक गया तो लोग लड़ना छोड़ देंगे। आखिर एक बात तो चलती है राजस्थान के अंदर कि सारे लड़ा के मर गए होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल अभी भी जिंदा है, लड़ाई को लड़ रहा है। परिवर्तन राजस्थान के अंदर करेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। सब लोग मिलजुल के शिक्षा पर ध्यान दें, आगे बढ़े और भाईचारा हमारा कायम रहे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बागर और आपकी पंचायत के विकास के लिए जब भी मेरी आवश्यकता पड़े आप बता देना। लोकल एमएलए काम करे या नहीं करे, उससे ज्यादा तादाद के अंदर आप लोगों का काम हनुमान बेनीवाल कराएगा। धन्यवाद। जय हिंद।